आखिर निगाह डाले कोई किस हसीन पर, एक चांद आसमां पे है एक जमीन पर। अगर सुन ले कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, जरा पढ़ना मेरे दिल की किताब आहिस्ता आहिस्ता। मात्र 16 बरस की बाली उम्र में कर दिया था इन्होंने चमत्कार, ऐसा कमाल किया कि आगे जाकर बनी सबसे खूबसूरत हीरोइंस में से एक। नाम है इनका पूनम ढिल्लन। पूनम ढिल्लन का जन्म 18 अप्रैल सन 1962 में हुआ। शहर था कानपुर, लेकिन इनका भरण पोषण हुआ चंडीगढ़ में। किसी दिन आप हमारे घर आइए, डैडी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। 16 बरस की उम्र में ही महान डायरेक्टर यश चोपड़ा की नजर पूनम ढिल्लन पर पड़ी थी और इन्हें त्रिशूल जैसी बड़ी फिल्म में काम मिला। दरअसल ये हुआ इस तरह से कि पूनम ढिल्लन जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, इन्होंने शौक शौक में फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का फॉर्म भर दिया और गलती से इनका सिलेक्शन भी हो गया और उसके बाद इन्हें दिल्ली बुलाया गया। चंडीगढ़ से दिल्ली किसी तरह से आई और फिर जो बात इन्होंने अपने माँ बाप से छुपा के रखी थी इन्हें कहनी पड़ी और बतौर फाइनलिस्ट ये मुंबई तक पहुंची। उस कॉन्टेस्ट में इनकी बहुत सी फोटोग्राफ्स खींची गई और उनमें से एक फोटोग्राफ यश चोपड़ा साहब के हाथ लगी। इनके चेहरे के नूर को देखते ही यश जी समझ गए कि यही है वो नूरी जो आगे जाकर महिवाल की सोहनी का किरदार निभाएगी। दिल्ली की मलिका को एक गुलाम के पास यूं नहीं आना चाहिए था। ये तो तुम्हें हमारे लिए अपने दिल का दरवाजा खोलने से पहले सोचना चाहिए था याकू। हम अपनी परेशानियां लेकर कहां जाएं? अल्तुनिया दिल्ली में है, उमराई सल्तनत चाहते हैं कि उससे हमारी शादी हो जाए, हमारी मोहब्बत का अंजाम क्या होगा याकू? यश चोपड़ा साहब की फिल्म त्रिशूल में ये नजर आई जिसमें इनके साथ थे जबरदस्त अभिनेता शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, राखी, संजीव कुमार और चाइल्ड आर्टिस्ट से हीरो बने सचिन पिलगांवकर। एक किस्सा मशहूर रहा कि ये नई थी और फिल्म त्रिशूल की शूटिंग में एक सीन ऐसा आया जहां पे शशि कपूर साहब ने इन्हें थप्पड़ मारना था। शशि साहब ने समझाया कि देखो पूनम, तुम नई हो, शायद फिल्मी थप्पड़ समझ ना पाओ, इसलिए मैं तुम्हें सचमुच में एक थप्पड़ मारूंगा। और वाकई सच में थप्पड़ मारा और गले लगाकर प्यार से इनका गाल भी चूम लिया। कुछ ऐसा ही फिल्म रेड रोज की शूटिंग के दौरान भी हुआ था। राजेश खन्ना साहब की ये हीरोइन बनी थी और एक सीन में इन्हें हैरान परेशान आना था। जैसे ही डायरेक्टर साहब ने एक्शन बोला तो राजेश खन्ना साहब ने इन्हें जोर से हिला दिया और धक्का देकर सीन में भेजा। वो एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे रहे इनके और इनकी बहुत तारीफ हुई। त्रिशूल के बाद आई फिल्म नूरी जिसमें इनके साथ हीरो थे फारुख शेख। इसका संगीत दिया था खयाम साहब ने। कहां एक तरफ ये गापुची गापुची गम गम कर रही थीं और दूसरी तरफ चोरी चोरी कोई आए गाना गा रही थीं, वहीं पर इन्हें सोनी महिवाल का किरदार भी मिला। ये किस्सा मशहूर है कि फिल्म सोनी महिवाल में सनी देओल की हीरोइन बनने वाली थीं डिंपल कपाड़िया, पर किसी तरह से ये किरदार पूनम ढिल्लन की झोली में आ गिरा। ये एक से बढ़कर एक फिल्में कर रही थीं, बड़े से बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रही थीं। उस वक्त के ताजा तरीन सुपरस्टार कुमार गौरव के साथ भी ये नजर आई फिल्म तेरी कसम में। मैंने कहा जनाब, आज ये खामोशी क्यों? शारदा, जब इंसान की जिंदगी में कोई नया मोड़ आता है तो कदम उठाने से पहले उससे अच्छी तरह सोच लेना चाहिए ना? जरूर सोचना चाहिए। किसी भी नए काम के लिए एक्सपीरियंस का होना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। ऋषि कपूर रहे कि अनिल कपूर, सभी के साथ इनकी फिल्में चल रही थी। चाहे वो निशाना रही कि ये वादा रहा, समंदर रही कि रोमांस रही, कसम रही के सितमगर, हर फिल्म में इनके रोमांटिक इमेज ने दुनिया का दिल जीत लिया। गौर करने वाली बात यह है कि ये सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में नजर आई थीं। अभी पूनम ढिल्लन सफलता की सीढ़ियां ही चढ़ रही थीं कि इन्हें एक त्रासदी ने घेर लिया। इनके पिता की मृत्यु हो गई। ये गहरे डिप्रेशन में थीं और तब इनके जीवन में आया एक नया शख्स, नाम अशोक ठकेरिया। ये दरअसल इनके मित्र प्रोड्यूसर डायरेक्टर उमेश मेहरा का दोस्त था और उमेश मेहरा साहब के ही जरिए इनकी दोस्ती भी हुई। पर तब ये कोई नहीं जानता था कि अशोक ठकेरिया पूनम ढिल्लन का दिल जीत लेंगे और ठीक वैसा ही हुआ। इन्होंने उस उम्र में शादी कर ली जिस उम्र में हीरोइंस फिल्मों में आती हैं। शादी करने के बाद फिल्में छोड़ दी और इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए। पहला बेटा हुआ अनमोल और दूसरी बच्ची हुई पलोमा। शुरुआती दौर बड़ा अच्छा रहा शादी का, लेकिन धीरे धीरे अशोक ठकेरिया अपने काम में व्यस्त होते गए। पूनम ढिल्लन घर पर ही थीं, एक्टिंग से किनारा कर चुकी थीं और बोरियत इनके जहन में भी घर कर रही थी। और वही हुआ जिसका डर था, ये दोनों अलग हो गए। मेरा।
विलन ने फिर वापसी की और दोबारा से ये सिल्वर स्क्रीन पे नजर आईं। सिल्वर स्क्रीन से पहले ये टेलीविजन में नजर आई थीं और फिर थिएटर में भी इन्होंने कमाल का काम किया। द परफेक्ट हस्बैंड, प्यार में कभी कभी और यू टर्न जैसे नाटकों में इनकी बड़ी तारीफ की गई। इनके पिता एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और माँ एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। इनके दोनों ही सिबलिंग्स डॉक्टर हैं। पूनम ढिल्लन प्रादेशिक फिल्मों में भी नजर आई। अरे हम आपको भूल सकते हैं लेकिन आपके नाम को नहीं भूल सकते। जानते हैं इस देवी की बड़ी मानता है, तभी तो इतनी भीड़ जमी रहती है इनके दर्शनों के लिए। और भीड़ से हमारा दम घुटता है, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। Shall we go? चूंकि ये अच्छे खासे परिवार से आई थी और फिल्म इंडस्ट्री का जबरदस्त अनुभव था, तो इन्होंने मेकअप वैन बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे इनकी वैनिटी वैन्स भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी मशहूर हो गईं। टेलीविजन के रियलिटी शो बिग बॉस में भी पूनम ढिल्लन की काफी तारीफ हुई थी और इनकी जिंदगी के कई पहलू तब सामने भी आए थे। पूनम ढिल्लन जैसी खूबसूरत हीरोइन बहुत जल्दी फिल्मों से दूर हो गई, लेकिन अच्छा ये हुआ कि फिल्मों में ये लौट कर भी आईं। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में पूनम ढिल्लन का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।